सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छा हूँ। सो वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो। आई होप आप सभी समझ ही गए होंगे कि मैं बात किस में आज करने जा रहा हूँ, मींस ये वीडियो लेक्चर आपका किस पे डेडिकेटेड है बाय थ्रू द थंबनेल। ओके, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि कोरडमा, ये जो आपका कोरडमा है, इसके जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से फार्मासिस्ट की एक वैकेंसी निकली है, एक जॉब निकली है, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली में इसमें कई सारी मेडिकल और पैरामेडिकल की पोस्ट निकली हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी देखिए, आपकी स्टाफ नर्सेस की, एनएमएम की भी है, ओके, एंड फार्मासिस्ट की भी है। तो हम आज फार्मासिस्ट की जॉब पे ही बात करेंगे, चूँकि ई स्टडी फार्मेसी बात करती है फार्मासिस्ट के विषय में, फिर वो उससे रिलेटेड हो, सेमेस्टर से रिलेटेड या जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड हो, या कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि फार्मेसी से रिलेट कर रही हो, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो बेसिकली आप देख सकते हैं 10 नंबर में आपकी फार्मासिस्ट की ये जॉब है, तो चलिए हम लोग इस पे ही डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले 10 नंबर को निकाल लेते हैं। सो ये रहा आपकी फार्मासिस्ट की जॉब का नोटिफिकेशन, ये आप देख सकते हैं फार्मासिस्ट की जॉब है NUHM में। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं NUHM में है। ओके, मीन्स आपका कहाँ पे है, बिहार की पोस्ट रहने वाली। ठीक है, जो कि एक पोस्ट है आपकी BC1 की। ठीक है, और अगर इसमें बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, मींस व्हाट इज द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, दिस इज द एलिजिबिलिटी। ओके, सो द फर्स्ट, इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मींस एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। एंड अगर इसकी सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, तो रजिस्टर्ड अंडर झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मींस झारखंड स्टेट फार्मेसी काउंसिल से आप जो भी वो पर्सन रहेगा उसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट कंप्यूटर मतलब एक तरीके से आपका कंप्यूटर प्रोफिशियंसी होनी चाहिए, मींस आपकी कंप्यूटर प्रोफिशियंसी होनी चाहिए, आपको MS ऑफिस आना चाहिए और इंटरनेट का थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें अगर हम बात करते हैं सैलरी की, तो सैलरी बहुत ही ज़्यादा कम रहने वाली है आपकी, 10,450 रुपये आपकी सैलरी है, जो कि मेरे हिसाब से तो बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं, डी फार्मा स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप अगर हो सकता है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको एक चीज़ है कि झारखंड स्टेट और फार्मेसी काउंसिल से आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही कम एक सैलरी है, तो हो सकता है कई बार लोग इस पे फोकस ना करें। लेकिन मेरी और भी कई सारी वैकेंसीज के बारे में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी पहले, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मैंने फार्मको विजिलेंस के बारे में भी आपको बताया है, बिब्रो कंपनी में आप ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पैकेज भी लोग वो देते हैं, तो उस चीज़ों पर आप फोकस कर सकते हैं। और भी कई सारी वैकेंसीज निकली हैं, मैं उसको अपडेट करता रहूँगा, लेकिन मेरा काम है किसी भी सैलरी से ज़्यादा मैं रिलेट नहीं करता हूँ, फिर वो कैसी भी जॉब हो उसकी मुझे आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, वो एक पोस्ट निकलती है, कुछ भी, कोई भी एक वैकेंसी हो या कितनी सारी वैकेंसीज हो, मुझे, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन आपको सही टाइम पे देना, तो मैं वो आपको दे रहा हूँ। तो हो सकता है अगर आपको ये वैकेंसीज नहीं अच्छी लगी तो आप मेरे अदर वीडियोज़ भी जाके देख सकते हैं। सो आज के वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही वीडियो देखने तक हमारे चैनल पर बने रहना। और हाँ, मैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन के बारे में भी आपको पढ़ाता हूँ, साथ ही साथ आपको नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ इसी चैनल में, तो अगर आप सेमेस्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डी फार्मा, वी फार्मा और एम फार्मा के सारे ही नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।